अभी तक आपने किन किन वो बॉलीवुड में जितने फेमस जो एक्टर है एक्ट्रेस है कि, किन के किन का इंटरव्यू आप लिए आज जी मैंने रितेश देशमुख सिद्धार्थ मल्होत्रा एकता कपूर ऐश्वर्या राय ऐसे अच्छा, तमाम तमाम लोगों का आप जो है जी ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ जी सभी का आप जो इंटरव्यू वगैरह ली हुई है जी मतलब सबसे ज्यादा अच्छा आपको किन लगा इंटरव्यू लेकर देखिए किसी एक का नाम तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ बहुत अच्छा रहा एक दो है जिनके साथ मे बी इतना कुछ फ्रूटफुल नहीं रहा हो बट मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं आ,

और uh, मैं एंकर भी हूँ पेशे से काफ़ी अवार्ड शोज़ और काफ़ी कुछ एंकर करती रहती हूँ कॉपरेट शोज डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ काफ़ी साउथ इंडियन फिल्मों में आवाज़ दी है मैंने और दो दिन गाने भी गाए हैं मलयाली लैंग्वेज में और uh, मेरा खुद का मैं ऑन्ट्रोप्रेनोर भी हूँ बेसिकली मल्टी फैसटेड कह सकते हैं आप मुझे जी और <laughs> काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आप बॉलीवुड जो जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं उन लोगों का आप जो है इंटरव्यू वगैरह लेती रहती है जी तो आपको मतलब कि अच्छा लगता है बॉलीवुड लोगों का इंटरव्यू लेना एक्टर एक्ट्रेस लोगों का बहुत अच्छा लगता है मुझे आ, मजा आता है उनके आसपास रहना उनकी क्योंकि हर हर इंसान एक कहानी है अपने आप में और वो लोग ऑलरेडी इतनी कहानियों को दर्शाते हैं अपने अलग अलग कैरेक्टर्स के जरिए तो उनसे सीखने को और उनके लाइफ का एक शेड देखने को बहुत मिलता है एक ही इंसान में हजार शेड्स भरे एक्टर्स ऐसे होते हैं तो बहुत मजेदार लगता है काफी इंटरेस्टिंग लोग लगते हैं मुझे अच्छा अभी तक आपने किन किन वो, वो बॉलीवुड में जितने फेमस जो एक्टर है एक्ट्रेस कि, किन, किन किन का इंटरव्यू आप लिए आच्छा? जी मैंने रितेश देशमुख सिद्धार्थ मल्होत्रा एकता कपूर ऐश्वर्या राय ऐसे तमाम अच्छा, तमाम लोगों का आप जो है जी ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ जी सभी का आप जो इंटरव्यू वगैरह ली हुई है जी मतलब सबसे ज्यादा अच्छा आपको किन का लगा इंटरव्यू लेकर देखिए किसी एक का नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सबके साथ बहुत अच्छा रहा है एक दो है जिनके साथ मे बी इतना कुछ फ्रूटफुल नहीं रहा हो बट मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं रोशन काफी अच्छे है हाँ। का और अच्छा। अरे सामने से तो बिल्कुल <laughs> ग्रीक गॉड ही लगते हैं ही इज वेरी हैंडसम और बहुत ग्राउंडेड भी है टाइगर श्रॉफ अगेन ही इज शाय ग शर्मिले है लेकिन मजेदार है अच्छे हैं बहुत यस और मतलब कि ये जो जो इंटरव्यू वगैरह आप लेती हैं तो सिर्फ इंटरव्यू वगैरह ही ली हैं और कुछ शो वगैरह में भी गई हुई हैं मैंने काफ़ी सारे शो में जी जी मैंने काफ़ी सारे शोज पहले भी आ, आ, जो है किया है काफ़ी तमाम चैनल्स के साथ काम किया है एन के साथ ई ट्वेंटी फोर के साथ आ, ऐसे कई चैनल्स हैं जिनके साथ काम करती थी फुल टाइम नेशनल टेलीविजन पे जी. लेकिन क्या होता है कि नेशनल टेलीविजन पे जब काम करते तो एक ही चैनल के साथ बंद के रह जाना पड़ता है जी और जो मैंने आपको बताया कि मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ डबिंग भी करती हूँ एंकरिंग के लिए मैं शोज के लिए यहाँ वहाँ जाती हूँ तो वो नहीं पॉसिबल था ना एक चैनल के लिए तो एज अ ऑफिस आप काम कर रहे हो जी, वो तो ऑफिस के थ्रू हो रहा है काम हाँ, तो इसीलिए मैंने मैं एक्सपीरियंस बनी काम करके मैंने एक्सपीरियंस गेन किया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी एक चैनल के लिए काम नहीं करूंगी मैं एक फ्रीलांसर बनूंगी और मेरी जिस जिन में, चीज़ों में, में मेरा यू नो इंटरेस्ट है तो मैं किसी चैनल के लिए राइटिंग करती हूँ किसी के स्क्रिप्ट लिखती हूँ किसी के लिए डबिंग करती हूँ किसी के लिए डबिंग करती हूँ और किसी के लिए शो करती हूँ और इस तरीके से तो आने वाले आपका जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है और कहाँ तक आप देखना चाहती हैं आप अपने आप को किस लेवल तक मैं ग्रो करना चाहती हूँ एज आई टोल्ड यू सक्सेस इज जस्ट नॉट अ थिंग कि एक डेस्टिनेशन नहीं है सक्सेस सक्सेस इज अ जर्नी एवरी डे इज अड शुड बी मेड सक्सेसफुल विद एक्शंस सो so, uh, मेरा यही है कि मैं uh, बहुत अच्छा मैं अपना शो लेकर आ रही हूँ अगर अभी की आप बात करें yeah. तो मैं एक शो लेकर आ रही हूँ जिसका नाम है गेट कैंडेड विध नंदिनी रॉय और ये सेलिब्रेनिया ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक सेगमेंट है एक वर्टिकल है वहाँ so, पे uh, yeah. जो है मैं अपना शो ला रही हूँ so, उस शो में जैसा क्या होगा थोड़ा ऑडियंस को बताइए इस शो में मैं जितने भी तमाम पब्लिक फिगर्स हैं फ्रॉम बॉलीवुड एक्टर्स टू बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एंड देन डायरेक्टर्स राइटर Producer, singer, poet, you know, soldiers, politicians, motivational mm -hmm. speakers. इस तरह के लोग या जो ब्रेव हार्ट्स हैं जिन्होंने कभी अपने जान को जोखिम में डालकर किसी बिल्कुल बिल्कुल सबकी कहानी जीवनी पे जी, जीवनी के ऊपर वो वो आपका वो रहेगा। बिल्कुल जीवनी पे शो रहेगा अगर देखा जाए एक तब से तो पॉडकास्ट हुआ वो पॉडकास्ट पॉडकास्ट होगा अलग अलग टॉपिक्स पे पे बात करेंगे उनके व्यूज जानेंगे जी. और बहुत मजेदार शो होगा लेकिन मैं किस तरह से शो को और अलग बनाऊंगी क्योंकि आजकल तमाम चैनल है जहाँ पॉडकास्ट है और सब एक से बढ़कर एक दुरंदे बैठे हैं वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत है आज के जगह बिल्कुल बिल्कुल बट मैं वो चैलेंज के

जी तो और जो 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 तमाम जितने हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं 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 कई ऐसे लोग जो, मतलब जर्नलिस्ट बनना चाहते चाहते उनके बारे में क्या कहना चाहिएगा अभी न्यू स्टार्टअप करना हाँ, तो तो एंटरटेनमेंट लिया हुआ था जी तो अभी जर्नलिज्म क्यों नहीं यार जर्नलिज्म हमारा जो हमारा चौथा स्तंभ माना जाता है फोर्थ पिलर ऑफ द नेशन इज कॉल्ड जर्नलिज्म वाई नॉट जर्नलिज्म करें आप लोग और अपनी आवाज को और बुलंद करें क्योंकि जर्नलिज्म में आने के बाद आप आपके हाथ में एक पावर होता है कौन नहीं चाहता पावर उस पावर के जरिए आप करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं सोच बदल सकते हैं सो वाई नॉट हम तो चाहते हैं काफी जर्नलिस्ट क्यों मैं फिल्म जर्नलिज्म मैं फिल्म जर्नलिस्ट हूँ लेकिन मेरा भी एक uh, uh, सोच होता है कि मैं कैसे एक्टर्स uh, अपने जीवन के बारे में कुछ बताते हैं मैं कुछ अपनी चार और जिंदगानी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बातें उनसे शेयर करती हूँ हम दोनों मिलकर कुछ एक अलग सा ही अलग सा कुछ और खूबसूरत थॉट लेकर आते हैं दुनिया के सामने सो यू नो वाई नॉट जर्नलिज्म में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप आराम से कर सकते हैं इतने अच्छे अच्छे अब इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं दिल्ली में और बॉम्बे में मैंने अपना जर्नलिज्म का कोर्स मीठी बाई कॉलेज से किया था जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का कॉलेज है बहुत रिनाउंड है वहाँ से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ पढ़े हैं और तो जितने मतलब कि ऐसे जो लोग हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं क्या उन सभी को डिग्री लेना मतलब जरूरी है या फिर यूट्यूब खोल कर उस पर सकते हैं यूट्यूब चैनल खोल कर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं जी कुछ भी ना बोले बकवास ना करें और फ्रीवलेसली कुछ भी ना बोले अगर आप सही मायने में अपने अंतर आत्मा में झाँक कर समझते हैं कि ये मेरा कला है ये मेरा टैलेंट है तो आप बिल्कुल बेशक जाएं यूट्यूब खोले और वहाँ माइक लें और शुरू हो जाएं और आप देखिए ऑडियंस को आप धोखा नहीं दे सकते हैं ऑडियंस आपका से लोग जो है, मतलब सजेस्ट कर लेंगे कि, इनका न्यूज चैनल मतलब देखना सही रहेगा या फिर नहीं आ, कोई काफी सारे ऐसे लोग है जो कि फेक न्यूज भी फैलाते बिल्कुल तो वैसा काम करने वाले मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन तक टिकने वाले है बिल्कुल नहीं चलेगा ही नहीं फिर वैसा अगर क्यों जो जर्नलिस्ट वगैरह ना फैलाए और आपका एक नीच होना चाहिए कि हमें किस कैटेगरी में जो है हमें जर्नलिस्ट का काम करना है जैसे मैम ने इंटरटेनमेंट कैटेगरी सिलेक्ट किया था बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का इन्होंने मतलब सिलेक्ट किया इंटरव्यू लेना है तो उन्हीं का इंटरव्यू लेकर मैम जो है काफी आगे लेवल तक बढ़ी है तो हम मैम से ये जानना चाहेंगे कि मैम आपका और पुराना जीवनी क्या रहा है कहां से आपने स्टार्ट किया है है और कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे जर्नलिस्ट बनना पटना से से मैं थी बचपन ही मैं शीशे के सामने डांस करना खुद को देखना तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे स्टेज पे काम करना है या मुझे स्टार्स के बीचों बीच रहना हुँ. है बड़े होके कुछ ऐसा करना है कि मैं ग्लैमर फील्ड में अपना नाम बना सकूं तो ये सोच क्या करूं मैं जर्नलिस्ट बनूंगी बचपन में तो नहीं सोचा था लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो फिर मैंने सोचा जर्नलिज्म तो मैंने फिर अपनी स्कूलिंग करी अद्विद्या देवी जिंदल स्कूल से और वहाँ से फिर मुझे एडमिशन मिला मेरेंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी वहाँ पे मैंने किया सोशोलॉजी ऑनर्स बीए लेकिन मेरा मन तब तक इतना uh, था नहीं सोशोलॉजी में कर लिया क्योंकि मार्क्स अच्छे आए थे ट्वेल्थ में सोशियोलॉजी में नाइन्टी पढ़ने में अच्छी थी मॉम डेट चाहती थी कि मैं ब्यूरोक्रेटिक फील्ड ज्वाइन एडमिनिस्ट्रेशन लाइन ज्वाइन उसमें पैशन यही था कि मुझे बॉम्बे जाना बॉम्बे मुझे हमेशा से जाना था uh, अंदर से मतलब कि बचपन बचपन से जाना है से आई थिंक छ सात साल से मैंने इस शहर को देखा भी नहीं था ये. पर मन में था कि मुझे बॉम्बे में सेटल होना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया आई थिंक यूनिवर्स इज विद मी एंड आई मैनिफेस्टेड इट सी ना इन बॉम्बे आई I मीन mean, किसी का सपना होता है जो जीवन में जी रही हूँ एंड आई थैंक माई मॉम डैड एंड माई ब्रदर जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया इतना सपोर्ट किया माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव सबके माँ बाप ऐसे होने चाहिए मैं ऐसा कहना चाहूंगी सपोर्ट करना चाहिए काफी सारे ऐसे मतलब की जो स्टार्टअप करना चाहते हैं और खासकर इन सब चीजों में बॉलीवुड या फिर जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो काफी सारे जिनके पेरेंट्स होते हैं वो मतलब सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चे जी, को जी। और जैसा की आपने बताया की अभी आपके पेरेंट्स काफी ज्यादा आपका सपोर्ट किए जिसकी वजह से आप अभी इस मुकाम पे है और आप और आगे लेवल तक जाइएगा और जैसा की आपका शो भी आ रहा है तो वैसे जो भी बच्चे हैं जो क्रिएटर है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके माँ बाप अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा अपने फैमिली को समझाइए इनके बारे में क्या चाहिएगा और जिनके फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहा है पता है क्या मां-बाप हमेशा प्रोटेक्टिव होते हैं आपके लिए वो आपको हिस्ते नहीं कर रहे क्योंकि वो आपसे वो आपके ऑपोजिट बोलना चाहते हैं आपको कंट्रोल करना चाहते हैं इसलिए वो नहीं मना कर रहे वो इसलिए मना कर रहे होंगे क्योंकि उनकी सोच ये होगी कि कई बच्चा एक प्रोटेक्टिव बन द नेचर हियर इज प्रोटेक्टेड दे आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टिव ट्रू एज अ चाइल्ड Uh, uh, ऐसा नहीं है कि माँ बाप जान सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बट वही होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था उन्होंने कहा था नहीं जर्नलिज्म मत करो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है ये मैं तकरीबन दस साल पुरानी बात बोल रही हूँ यू नो लड़की दो की तो मैंने सोशोलॉजी ले लिया लेकिन मेरा मन नहीं माना फिर मैंने उनको कन्विंस किया और उन्होंने देखा कि ये लड़की बचपन से पढ़ाई में अच्छी रही है मिरांडा हाउस जैसे कॉलेज में St. Stephen, आपको पता होगा कि डीयू के कॉलेज में एडमिशन लेना सिफारिश और डोनेशन के मुझे है। जाएगी। और मैंने ऐसा ही किया जो करो बेस्ट करो तो मैंने उनका विश्वास जीता मैंने मेरा कला दिखाया उन्होंने देखा की जी। लड़की में वो बात है तो अभी आपके जो पेरेंट्स है मम्मी पापा आपके मतलब इस काम से कितना खुश है अभी बहुत खुश हैं बहुत प्राउड फील करते हैं वो लोग और मेरे डैड का सोलर पैनल का बिजनेस है सो आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड वेरी गुड फैमिली बिजनेस आई हैव पर अभी डैड कहते हैं कि अभी तुमने बहुत कुछ कर लिया है वो भी करो अपनी जिंदगी जीना मत छोड़ो जी। अपने सपनों को पूरा करो बट अपने डैड का भी जो बिजनेस है उसमें भी थोड़ा हाथ बटाओ अब क्योंकि मैं बुजुर्ग हो रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा तो अभी मैं आजकल अपने डैड के सोलह का जो बिजनेस है उसमें मैं उनका काम समझ रही हूँ उस कंपनी का नाम है मार्फिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इट्स अ रिनाउंड कंपनी जो मेरे डैड ने अपने खून पसीनों से जो है खड़ा किया था और आ, उस कंपनी के आ, मैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स भी हूँ

लेकिन क्यों शो जो है आप मुझे जी सिर्फ सेलिब्रेनिया स्टूडियो पे ही गेट कैंडेड विध नंदनी रॉय शो पर ही देख पाएंगे क्योंकि मैं किसी के लिए भी शो नहीं कर रही हूँ का शो लेकर आ रही हूँ अपनी ही कंपनी सेलिब्रेनिया स्टूडियो के यूट्यूब तो जितने भी फेमस फेमस जो भी क्रिएटर होंगे जी वो सब रहेंगे उस शो में सब होंगे ब्लॉगर्स होंगे यूट्यूबर्स होंगे एक्टर एक्ट्रेस पॉलिटिशियंस मोटिवेशनल स्पीकर सोल्जर्स

प्लीज़ आप सब इनके चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहिए चैनल एंड मेरे चैनल सेलिब्रेनिया स्टूडियोज़ को ज़रूर आप लिंक आप डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आप लोग सब्सक्राइब करें और मेरे इस टॉक शो का वेट करें मैं वहाँ होस्ट करते हुए नजर आऊंगी जितने भी नामचीन हस्ती हैं बॉलीवुड के या इंडिया के जितने भी नामचीन पब्लिक फिगर्स हैं मैं उनको हॉट सीट पर बिठाऊंगी और उनकी ज़िंदगी के बारे में उन्हीं की ज़ुबान से उनसे सारी बातें कहलवाऊंगी और तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल ओवर टू यू तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप से.